नमस्ते वर्ल्ड, बलराम किसान हैं और आप हैं आज पंजाब में किसान पाठशाला और ऑटो पार्क के साथ में। हमारे साथ में हैं राजवीर जी। कहाँ पर हैं? हम लोग पंजाब में अबोहर में हैं। ये इसका फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है जो अभी नया लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब का। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल NH-7 पे है। तो वहाँ हम लोग आए हुए हैं। कल हम लोग सूरतगढ़ में थे और आज यहाँ पर हम बैम्बू के लिए एक मीट रखी हुई है। काफ़ी फार्मर आए हुए हैं और जहाँ ये फार्म में जा रहे हैं यहाँ तकरीबन 6 एकड़ के आसपास बैम्बू लगा हुआ है। उसकी विजिट भी है और फार्मर मीट भी है। ओवर टू अंजलि जी। बैम्बू पूरे भारत में हो सकता है, हो रहा है। ये लगा हुआ साइड में, वो सामने ये साइड में लगा हुआ है, ये तार के साथ साथ जो लकड़ी के साथ साथ लगा हुआ सारा बेंबू लगा हुआ भी दिख रहा है। सामने भी लगा हुआ प्लॉट, ये बेंबू फार्मिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है फाजिलका में, पंजाब में। और यहाँ का धुंध और कोहरा बहुत ही लुभावना है। ये गेहूं की जो बुआई है पूरे भारत में जिस तरीके से हो रही है उसकी वजह यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। बेड पर बुआई हो रही है, नीचे उतर कर भी दिखाऊंगा आपको। और एक ही बार बेड बनाया है, इसी में कॉटन, इसी में गेहूं, इसी में सारी फसलें लेते हैं। फार्मरों को कई सारी भ्रांति है पूरे भारत में कि गेहूं केवल फ्लड में या उस तरीके से होगा, लेकिन यहां देखेंगे तो बेड पर गेहूं की बुआई की गई है। 5 लाइनें हैं और नाली में पानी दिया जा रहा है। ये तरीका कब से अडॉप्ट किया और किस तरीके से काफी देर से कर रहे हैं? ये जो तरीका है ये पाकिस्तान के एक आशिफ शरीफ जी हैं जी, ये सब उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं जी। जो ये हमने मशीनें डेवलप की हैं ये भी डिजाइन उन्होंने भेजे थे पाकिस्तान से, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे बनवा ली। तो अब इसमें क्या है, जैसे सूखे में बुआई की है उसके बाद पानी दिया है। इसमें पहले कॉटन था, वो भी बेड पे था। ये कॉटन का ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर उसका, हाँ ये कॉटन का छूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, लकड़ी कॉटन छूटा हुआ है। अब पानी नाली में देते हैं और बुवाई ऊपर बेड पे कर रखी है। अब इसमें जब ये गेहूं कट जाएगा, इस गेहूं कटने के बाद इसमें सीधा ऐसे ही बुवाई हो जाएगी कॉटन की, चाहे कॉटन की करो धान की करे, जो ये बेड हटेगा नहीं, ये बेड नहीं हटेगा, इसको कल्टीवेटर और ड्रिप की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं, पानी भी इसमें बहुत। जो फार्मर सोचते हैं कि गेहूं मतलब बहुत पानी चाहिए, कीचड़ में बुवाई, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग पैडी जिसको आप धान बोलते हैं वो भी ऐसे ही लगा, ऐसे ही लगा, ऐसे ही लगा। यस यस, एक्चुअली ये फार्मूला है 70-30 फार्मिंग का। हाँ, उससे भी बढ़िया है। यस यस, उससे भी बढ़िया। आइए, बेंबू दिखेंगे, फाजिलका में भी बेंबू दिखेंगे। ये बेंबू प्लांटेशन है, गेट पे है जी, गेट पे। या बेंबू पूरे भारत में हो सकता है और सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को लेकर चलेंगे तो बैम्बू अग्रणी रहेगा। वेलकम किया आपका कबूतर, वेलकम किया कबूतर। नमस्ते, आजा। फाजिलका में भी किसान पाठशाला को रीड किया जा रहा है, ये अच्छी बात लगी मुझे। स्पेशल खड़ी करी थी गाड़ियाँ, मतलब